नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु, स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जी हां, पॉजिटिव न्यूज़, छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग भर्ती से संबंधित जो चीज़ें आप सभी ने कमेंट करके मुझे पूछा, पर्सनल मैसेज करके पूछा, इसके टाइम टेबल के संबंध में, तो उसी बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो राजनांदगांव में संविदा भर्ती निकली है, हम उस पर भी बात करेंगे। तो जल्दी से चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाएं सब्सक्राइब करें, बाजू में जो बेल आइकन है उसे जल्दी से प्रेस करें, ताकि आपको सीजीपीएससी व्यापम तथा छत्तीसगढ़ की अदर एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द मिल सके। तो जल्दी से चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित चीज़ें पूछ रहे थे, मैं उन सभी को बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, जो अतिथि शिक्षक बोल सकते हैं, अतिथि प्रोफेसर जिसको बोल सकते हैं, अतिथि प्राध्यापक जो महाविद्यालयों में होता है, उनके लिए वित्त विभाग से अनुमति दे दी गई है। और जो है उसके लिए जिन जिन महाविद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की कमी है, वहाँ पर जल्द से जल्द जो है वो भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होगा, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे लोगों के मन में पुलिस विभाग भर्ती से संबंधित था, उसको बताने से पहले मैं आप सभी को सबसे पहले आपको रोजगार से संबंधित चीज़ें बता देता हूँ। राजनांदगांव जिले में जो है रोजगार से संबंधित चीज़ें निकली है, सबसे पहले हम उस पर चर्चा करते हैं। है आपका भारत रत्न स्वश्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव में है, जो कि 12 अक्टूबर को निकला था। यहाँ पे बताया गया है कि सीधी सी बात है, चिकित्सा शिक्षा में यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ आपको लाइब्रेरियन के एक पद निकले हैं, मेडिको सोशल वर्कर के 3 पद, सहायक लाइब्रेरियन के 1 पद, कैटलॉगर के 2 पद, लाइब्रेरी सहायक के 2 पद, सहायक ग्रेड 3 के 10 पद, जिसमें कि 5 पद अनरिजर्व के हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम इसके अगर योग्यता के बारे में बात करें, तो देखिए योग्यता के संबंध में अगर हम बात करें, तो आप ये जो साइट दिख रहा है, इस ये जो साइट में जाके आप ये पूरे डाउनलोड कर सकते हैं इसका नोटिफिकेशन। साथ ही साथ देखिए अगर हम आगे बात करें, तो इस नोटिफिकेशन में सीधी सी बात है, यहाँ पे लाइब्रेरियन के लिए जो है 40,000 जो है वेतन बताया है। साथ ही साथ इसका अगर अमहर्ता देखें, तो पुस्तकालय विज्ञान में कम से कम 55% अंक के साथ स्नातकोत्तर उपाधि, यहाँ पे देखिए मेडिको सोशल वर्कर के लिए भी बता दिया गया कि 55% अंक के साथ जो है स्नातकोत्तर उपाधि एवं मेडिको सोशल वर्कर पाठ्यक्रम में डिप्लोमा या संबंधित विषय में एमफिल। इसके साथ साथ सहायक लाइब्रेरियन के जो है यहाँ पे भी बताया गया कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ लाइब्रेरी में स्नातक बताया गया है। कैटलॉगर के बारे में भी बताया गया है, लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा और लाइब्रेरी सहायक के बारे में भी बताया है। इसका सैलरी भी बताया गया, पद भी बताया गया, और सहायक ग्रेड 3 के देखिए यहाँ पे 10 पद है, जिसमें कि 5 पद अनारक्षित है, जिसमें कि एक महिला है, मतलब 4 पद आप भर सकते हैं जो मेल है। और इसमें बताया गया देखिए योग्यता मान्यता प्राप्त, साथ ही आप देखेंगे 5,000 की डिप्रेशन मांगा है। इसके साथ साथ इसमें पूरा जो नियम है बताया गया है कि सीधी सी बात है, ये नियम 2012 भर्ती नियम 1 पर आधारित है, आयु सीमा की गणना बताया गया है। साथ में इसमें जो पदों के बारे में बताया गया है कि 21 वर्ष और 35 वर्ष से अधिक जो है, सबसे कम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। और देखिए यहाँ पर जो पत्र है, ₹500 लगेगा आप सभी को, और जो कि लाइब्रेरियन पद हेतु सामान्य वर्ग के लिए, और अन्य वर्गों के लिए 300 है, तथा अन्य पदों के लिए अगर हम बात करें तो ₹300 है, और अन्य जो अनारक्षित के लिए सामान्य वर्ग के लिए और अन्य के लिए 200, मतलब लाइब्रेरियन के अगर आप फॉर्म भरते तो आपको ₹500 देना पड़ेगा सामान्य वर्ग वालों को। तो आप सभी इसके लिए राष्ट्रीयकृत बैंक से, देना बैंक हो गया, या मेडिकल कॉलेज के नाम से आप, यहाँ लिखा गया है उसके नाम से आप डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे, और फिर आप उसको जो दिए गए पते पर है वहाँ पे आप देंगे। यहाँ पे देखिए पदों का जो नंबर है वो भी बंटवारा किया है कि जो 10 अंक है वो जो है अनुभव का दिया जाएगा, जो अधिकतम 10 नंबर दिया जाएगा, और उसके बाद जो आपके बोलना चाहिए कुल प्राप्तांक है, यहाँ पे लाइब्रेरियन पद हेतु अलग बताया गया है, और अनुभव का भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सहायक ग्रेड 3 का भी बताया गया है कि सहायक ग्रेड जो 3 है उसके लिए यहाँ पे देखिए 50% अंक का अनुभव भी बताया गया है। आवेदक का प्रारूप जो है वो दिया गया है, साथ में आवेदन की जो वेबसाइट है वो आप जा सकते हैं और ख़ुद डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए
तो यहाँ पे पूरा दिया गया है चयन प्रक्रिया कि कैसा कैसा होगा, कि कितना परसेंट अनुभव का दिया जाएगा और कितना परसेंट आपको जो है परसेंट आपका जो रहेगा ग्रेजुएशन या पीजी में उस हिसाब से दिया जाएगा। तो ये पूरे जो है अच्छी बात है, जिनको जॉब की आवश्यकता है वो आप ज़रूर जल्दी से जल्दी इसमें फॉर्म भरे। तो देखिए इसका जो प्रपत्र है वो ये है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो यही पूरी जानकारी आप सभी को देनी थी। तो देखिए उसके बाद हम बात करते हैं पुलिस विभाग भर्ती के संबंध में। तो देखिए बहुत सारे लोग जो है सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें निगेटिव भी आ जाती है, इसी में से एक है ये न्यूज़, जहाँ पे से बहुत सारे लोगों को बस्तर फाइटर्स जो 2100 पद निकलने वाले हैं उसके लिए टाइम टेबल जो है उनको ऐसा लगता है कि वो जारी हो गया, जबकि पुलिस विभाग में ऐसा किसी भी प्रकार का टाइम टेबल जारी नहीं हुआ है ऑफिशियली तौर पे। आप सभी को बताना चाहूँगा ये सत्य है कि दशहरे के बाद बस्तर फाइटर्स का जो टाइम टेबल है वो घोषित होगा, परंतु आपकी स्क्रीन में जो शो हो रहा होगा इस प्रकार का टाइम टेबल कुछ भी नहीं घोषित हुआ है। तो आप सभी इस प्रकार के जो वायरल मैसेज है आप उसे तभी माने जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सके। यहाँ पे ना किसी की साइन है, ना किसी पुलिस महानिदेशक की साइन है, ना कलेक्टर की साइन है, ना किसी की भी साइन। जब तक इसमें किसी भी ऑफिशियली जानकारी नहीं रहती तब तक आप इसे सत्य न माने। मैं आप सभी को यही बोलूँगा, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं खुद आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दूंगा। तो यही एक पूरी पॉजिटिव जानकारी आप सभी को देना था। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तथा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त